हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार गौर, आपका होस्ट और दोस्त गौर नई चैनल में स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आज आपको राष्ट्रीय ध्वज बनाने का तरीका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से बताने जा रहा हूं। हाउ टू क्रिएट नेशनल फ्लैग बाई यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले हमको स्टार्ट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फर्स्टली स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जाने पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन हमारे सामने अपेयर हो जाएगी। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक। सबसे पहले फ्लैग बनाने के लिए हमको चाहिए उसकी लेयर। यहाँ पे आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट बनाने के बाद शेप्स, शेप से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं, देन सिलेक्ट वेव्स, वेव को सिलेक्ट करते हैं। तो अब फर्स्टली ऊपर का स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया। फिर अब बराबर से चाहिए हमको कंट्रोल डी। आफ्टर सेलेक्टिंग, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करेंगे जिससे वो बराबर शेप है, करेक्ट होगा। कंट्रोल डी ऑटोमेटिक उसकी बाय लेयर डाउन में वो हमारे पास शेप बन के रेडी हो जाएगा। देन उसके सपोर्टिंग चार्ट किस पे हमारा ये फ्लैग टिकेगा, सीधे यूजिंग शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन का प्रयोग लाइन को स्ट्रेट क्लिक ड्रॉ करने के लिए होता है, फिर एरो से हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ लाइन हमारी थोड़ी स्मॉल है तो उसका साइज बढ़ाएंगे, इसको कहते हैं वेट इंक्रीज करना। यहाँ पे 6 पॉइंट पीटी का मतलब होता है पॉइंट्स इंक्रीज करें। अब हमारे पास चाहिए क्या फ्लैग में, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चक्र। चक्र शो करता है कि आप 24 हमारा तिरंगा चलता रहता है। सबसे पहले इंसर्ट पे आएंगे, शेप्स, यहाँ पे देखते हैं 24 हमारे चक्र पे 24 तिले जो शो करती है हमारे 24 घंटों को। यहाँ पे 24 इस पर उसको हम ड्रॉ करते हैं। देन यहाँ पे येलो पॉइंट, येलो पॉइंट इधर चेंजिंग पॉइंट कहलाता है। इस पर क्लिक करके जब एरो बन जाए तो हम चेंज करते हैं यहाँ पे 24 स्पोक्स। अब इसकी आउटलाइन देनी है। यहाँ पे हम आएंगे इंसर्ट, यहाँ पे लेंगे सर्किल, सर्किल ले लिया। सब पे क्लिक करने के बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे पीछे चीज नहीं है, सेंड टू बैक करेंगे। यहाँ पे इसको अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द शेप इसको सेट कर देंगे। कैसा, जिसका जिसका साइज सेट है उस साइड में हम इसको सेट कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये चक्र अलग अलग है। यहाँ पे सिलेक्ट पाएंगे, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद इसको हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको राइट क्लिक एंड ग्रुप, ग्रुप का मतलब था चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करना। फिर ग्रुप कर लिया, फिर इसको यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट करते हैं और ये अकॉर्डिंग टू साइज हमको जिस साइज में इसको ले जाना है उस साइज में हम लोग ले जा सकते हैं। ये हमारा नेशनल फ्लैग का स्ट्रक्चर रेडी है। अब स्ट्रक्चर का रेडी होने के बाद यहाँ पे हमको चाहिए होता है, लिखा होना चाहिए क्या हमारा जय हिंद। जय हिंद मतलब हिंद को, मतलब हिंदुस्तान को जय बोलते हैं, मतलब ऑलवेज विन। यहाँ पे आएंगे हम वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जय, इंग्लिश में जैसे हिंदी आती है तो हिंदी लिखे, मतलब इंग्लिश आती है इंग्लिश जय। ठीक, थोड़ा सा स्पेस देंगे क्योंकि बीच में चक्र है। स्पेस देने के बाद हिंद, हिंदी हम लिखते हैं, हिंद लिखा, देन बोल्ड करके ओके कर देंगे। ठीक, ये हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे हम थोड़ा सा इसके इन फ्रंट करेंगे क्या, ये अभी इन लाइन विद टेक्स्ट है। यहाँ पे आने के बाद इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा करेंगे, फिर यहाँ पे लेके आएंगे, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फिट कर देंगे जिसका इसका साइज़ है। जय हिंद, फिर एरो का यूज़ करेंगे, एरो का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसको मूव करके हम सेट कर देंगे। इसकी शेडो आ रही है, यहाँ पे आएंगे चेंज, यहाँ पे आएंगे शेडो, नो शेडो। अब इसको हम ब्लैक कलर में लिख देंगे, क्या शेप फिल ब्लैक। ठीक, अब यहाँ पाते हैं इसका सबसे ऊपर टॉप पे कलर होता है हमारा केसरिया। केसरिया शो द प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता का, प्रॉस्पेरिटी पे कहते हैं, सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं इसको। फिर दैस हमारा नीचे कलर होता है, नीचे ग्रीन, ग्रीन शो करता है हरियाली या लाइटनेस को, लाइटनेस को ग्रीन कलर शो कर दिया। ये हम और चक्र में हमारा ब्लू कलर की लाइन होती है और यह बीच में जो वाइट कलर है ये शो करता है पीस को, शांति का प्रतीक है। क्या है, शांति का। ये हमारा नेशनल फ्लैग रेडी हो गया है। दिस इज द क्रिएशन ऑफ नेशनल फ्लैग। दिस इज द क्रिएशन ऑफ नेशनल फ्लैग। यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग क्रिएट हो गया है। This is a creation.